वेलकम टू माय चैनल गाइस। अगर आपके बजट लगभग 15,000 रुपए के आसपास और आप उसमें एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो यार आज हम लेकर आए हैं रियलमी 11 5G स्मार्टफोन, जो कि लगभग आपको 15,000 रुपए के आसपास जो सेल में मिल रहा था। इसका जो रेगुलर प्राइस रहता है वो लगभग 19,000 रुपए रहता है। तो यार आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन देने वाले कि क्या आपको इस प्राइस रेंज में इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो यार चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये रहा बॉक्स, देख सकते हो सामने की तरफ रियलमी की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर 11 5G लिखा हुआ है, टिपिकल रियलमी का यहाँ पर बॉक्स आपको मिलता है येलो कलर का। रियलमी 11 5G और रियलमी जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई, जैसे कि 108 मेगापिक्सल यहाँ पर प्रोलाइट कैमरा, 67 वॉट का चार्जर है, 5000 एमएच की बैटरी है, 6100 वाला आपको 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है। नीचे कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, सार वैल्यू वगैरह लिखी गई है। ग्लोरी ब्लैक कलर का मैंने ये यहाँ पर जो है वो मंगवाया है, 8GB और 128GB वाला मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से यार अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या-क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स यहाँ पर अनबॉक्स ही था और फटाफट से जो है इसे निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स को जो है निकालेंगे उसको मैं साइड में रख देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इनका डेयर टू लीप करके जो है वो एक लीफलेट मिल जाता है। तो इस लीफलेट में आपको जो है वो डेफिनेटली क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो मैं फटाफट से इसको आपको दिखा देता हूँ। इसी के अंदर आपको एक केस भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी जो है सिम इजेक्टर पिन आपको देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाद में यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह देखने को मिलेंगे, वारंटी कार्ड वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसे आप जो है वो आराम से देख के पढ़ भी सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको एक TPU केस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर ठीक है, अच्छी क्वालिटी का आपको TPU केस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट का भी जो है वो और देखने को मिल रहा है और ठीक क्वालिटी यहाँ पर है। तो फटाफट से इसको मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। ये सब मैंने यहाँ पर साइड में रख दिया है और फटाफट से अपना स्मार्टफोन यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। तो स्मार्टफोन कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसको भी मैं यहाँ पर जो है वो तब तक साइड में रख देता हूँ और देखता हूँ बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या जो है वो एक्सेसरीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक USB टाइप ए टू टाइप सी वाली जो रियलमी की टिपिकल केबल होती है वो देखने को मिल जाएगी, और वाइट कलर की आती है। तो यहाँ पर अगर ब्लैक कलर का फोन है तो यार ब्लैक कलर ही देनी चाहिए। और इसके अलावा 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये फोन 67 वॉट की चार्जिंग को ही मैक सपोर्ट करेगा। तो फटाफट से इसको हम जो है वो अंदर रख लेते हैं और फटाफट से अपने फोन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा फोन, फटाफट से इसे जो है यार इस पन्नी से बाहर निकाल देते हैं। और ये रहा हमारा रियलमी 11 5G, और बैक साइड से आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पर जो है लुक्स इस स्मार्टफोन के आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि उल्लू की आंख जैसा जो है वो कैमरा शेप यहाँ पर बनाया गया है सर्कल में, और लेफ्ट साइड में तो थोड़ा सा अच्छा भी देखने को मिलता है। यहाँ पर ये आपको 108 मेगापिक्सल AI कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ आपके डॉक्यूमेंट स्टिकर वगैरह देखने को मिलेंगे, रियलमी की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर कुछ जो डिज़ाइन है वो क्रिस्टल वाला यहाँ पर डिज़ाइन मैं कह सकता हूँ, कुछ रेशे जैसा यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन बनाया गया है। इसके अलावा एक गोल्ड कलर भी मिल जाता है, वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है, उसमें कुछ S पैटर्न वगैरह बनता है तो वो भी बढ़िया है। मुझे ये कलर देखने को मिला नहीं था, वहां पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसीलिए मैंने जो मंगा नहीं पाया था। तो फटाफट से यार यहां से हम अपने जो स्मार्टफोन है उसको यहां पर जो है वो ऑन कर देते हैं। स्मार्टफोन मैंने जो है वो यहां पर ऑन कर दिया है, और तब तक फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं स्मार्टफोन का। तो राइट साइड में यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, ये आपका पावर बटन है, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड की बात करें तो सिम ट्रे आपको मिल जाती है। तो मैं फटाफट से सिम ट्रे आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको इसमें जो है वो माल मसाला देखने को मिल जाता है। तो सिम ट्रे जैसे ही हम ये निकालेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट ही देखने को, तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट ही मैंने जो देखा था कि यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट ही जो है वो मिलने वाला, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर आपको रबर की कोटिंग भी जो है वो देखने को मिल रही, तो इसका मतलब ये फ़ोन प्रोटेक्टेड है वाटर वगैरह के उससे, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पर लगी। और ये अंदर जा चुकी है, और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको हेडफोन जैक देखने को मिल रहा है। ये आपका प्राइमरी जो है वो माइक्रोफोन है, ये टाइप सी पोर्ट है, ये आपका यहाँ पर स्पीकर के लिए एक ही स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि यार मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। और टॉप की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सेकेंडरी माइक्रोफोन है वो मिल जाता है। और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का जो है वो प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, ये सैमसंग का जो इसमें सेंसर यूज़ किया गया HM6 वाला है, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर यूजलेस डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और फ्रंट में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर लॉक वगैरह खोल लेता हूँ और आपको आगे दिखा देता हूँ। तो लॉक मैंने यहाँ पर खोल दिया, और फर्स्ट टाइम मैं कहूँगा डिस्प्ले मुझे काफ़ी ठीक अच्छी लगी, Full HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। और फ़ोन जैसे सेटअप किया, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी ऐप्स यहाँ पर इंस्टॉल है, जैसे कि रियलमी की कुछ हैं, कम्युनिटी शेयर है, और फेसबुक, अमेज़ॉन, स्नैपचैट, डेली हंट, जोश,
और पब्लिक और स्पॉटिफाई, अगोडा कुछ करके ऐप है, लिंक्डइन, और ये हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी मैं कहूँगा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। आपको 30-40 ऐप इंस्टॉल है, और मैंने यहाँ पर कुछ जब फ़ोन सेटअप कर रहा था तो डिसेबल भी कर दिया था, नहीं तो यहाँ पर क्या होता कि और सारी ऐप्स यहाँ पर इंस्टॉल होती रहती हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है। तो फटाफट से यहाँ पर जो हम डिस्प्ले की बात कर रहे थे, तो डिस्प्ले 6.72 इंच का ये फुल एचडी प्लस वाला है, 8 बिट वाला है, मतलब 16.7 पॉइंट कुछ करके मिलियन कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो यहाँ पर स्मूथनेस में कोई कमी नहीं होगी, आराम से जो है वो स्मूथनेस आपको जो है वो कमी नहीं मिल रही है। 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, तो वो भी अच्छा है, और 91.1% के आसपास का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। तो मतलब डिस्प्ले यहाँ पर काफी ज्यादा बेजललेस है, चिन भी यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है, ठीक चिन यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग मिल रही है। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो 550 निट्स की टिपिकल है, और 680 की पीक ब्राइटनेस है। तो आप अगर डे टू डे टास्क में करोगे, बाहर जाओगे लेके, तो ब्राइटनेस की कमी आपको यहाँ पर मिलने नहीं वाली। वहीं इसमें आपको चलते हैं पहले सेटिंग्स पे और दिखा देते हैं कि वर्जन कौन सा यहाँ पर एंड्रॉइड का चल रहा है। तो चलते हैं यहाँ पर अबाउट फोन में। अबाउट डिवाइस में आप जैसे ही यहाँ पर जाओगे, आपको यहाँ पर Realme UI 4.0 के ऊपर ये वर्क कर रही है, और 128GB की स्टोरेज, इसमें लगभग 19GB यूज्ड है। MediaTek Dimensity 6100 प्लस वाला जो है वो CPU इसमें इस्तेमाल किया गया, तो जो कि अच्छा है। 6M पर बेस्ड यहाँ पर है, मालिका G57 MC2 GPU देखने को मिल रहा है। आगे हम जो है इसका काफ़ी चीज़ें जो है वो जो नेक्स्ट वीडियोज आने वाली है उसमें मैं अच्छे से आपको जो परफॉर्मेंस वगैरह की दिखाऊंगा, गेमिंग टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि कैसी गेमिंग हो पाती है। सच आपको यहाँ पर दिखा दिया। रैम आप यहाँ पर वर्चुअल रैम 8GB तक बढ़ा सकते हो, जो कि अगेन काफी बढ़िया चीज आपको मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी है, और एंड्रॉइड यहाँ पर 13 तक की आप जो है वो चल सकता है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी अपडेट है वो 5 जुलाई का है, नेट वगैरह कनेक्ट करोगे तो अपडेट इसमें आ जाएगा। 2 साल के अपडेट मिलेंगे आपको एंड्रॉइड के, और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, तो ये काफी अच्छा है। और स्टोरेज यहाँ पर LPDDR4X की रैम, UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि अगेन बढ़िया चीज है। और कैमरा यहाँ पर जो है वो 108 मेगापिक्सल का जो है वो प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको जो है वो जो 16 मेगापिक्सल है वो है, जिसकी क्वालिटी मैं आपको अगर दिखा दूं तो कुछ मैंने यहाँ पर जो जो क्लिक्स हैं वो किए थे, और मेरे ख्याल से रियर कैमरा मुझे ठीक लगा और शार्प अच्छी डिटेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर पा रहा है, और कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो फ्यूचर में इसका कैमरा टेस्ट भी अभी दिखाने वाला हूँ आगे जो वीडियोज आएंगी, कि क्या ये मतलब कैसा है, कैमरे के अकॉर्डिंग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या वीडियोज रिकॉर्ड कर पाता है, वो सब भी आपको बताऊंगा। और 5000mAh की बैटरी है, और 67W का चार्जर भी बॉक्स में मिल रहा है, तो उसकी जो है वो आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा। बैटरी चार्जिंग टेस्ट कितना मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है या 30 मिनट लगता है, सब चीजों के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। 5G का तो सपोर्ट है, 10 5G के बैंड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ का 5.2 वाला जो है वो वर्जन भी मिल जाता है। बात करते हैं बायोमेट्रिक्स की, तो यहाँ पर आपको साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पर जो साइड फिंगरप्रिंट की स्पीड है वो काफी बढ़िया है, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ, काफी इंस्टेंट यहाँ पर जो है वो अनलॉक करके देता है, और देख सकते हैं यहाँ पर काफी बढ़िया अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक की स्पीड भी यहाँ पर मैं कहूँगा अच्छी है, और देख सकते हो काफी बढ़िया स्पीड के साथ आपको देखने को मिल जाता है, तो अगेन काफी बढ़िया चीज है। और ये वीडियो एक तरीके से एक फर्स्ट इंप्रेशन वाली ही वीडियो था, तो यहाँ पर हमने कुछ ज्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल में जो है वो मैंने नहीं आपको बताया है। फ्यूचर में जब इसके सारे वीडियोस आएंगे, इसका मैं 24 आवर या 48 आवर्स वाला रिव्यू करूंगा, उसमें जो है सारी चीजें ये इंक्लूड कर दूंगा, बैटरी टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो कैमरा टेस्ट है वो सब भी करूंगा, गेमिंग वगैरह भी करके इस फोन पर आपको दिखाने वाला। तो यार वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।